कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत लड़की से होती है जिसका नाम इजाबेला होता है, लेकिन सब लोग उसे प्यार से इजी बुलाते हैं। वो न्यूयॉर्क सिटी के एक छोटे से लेकिन मशहूर सैलून में काम करती है। इजी एक बहुत ही अच्छी और खूबसूरत लड़की होती है जो सबका ख्याल रखती है। वो जहाँ भी जाती है लोगों में डोनट्स बांटती है। एक सुबह जब इजी काम करने के लिए घर से निकल जाती है तो उनके सैलून में आग लग गई होती है। वो भागते हुए सैलून में जाती है और आग बुझाने में मदद करती है। जब आग बुझ जाती है तो सैलून का असिस्टेंट डग वहां आ जाता है। वो इजी से नुकसान के पैसे मांगता है, तभी इजी उसे वो पैसे दे देती है जो इसने अपनी वर्ल्ड टूर के लिए जमा किए होते हैं। दूसरे सीन में फाइव स्टार होटल में एक हैंडसम लड़के को दिखाया जाता है जो कि लवेनिया का प्रिंस होता है, जिसका नाम थॉमस होता है। वो न्यूयॉर्क अपनी फियांसी की फैमिली के साथ मिलने के लिए आया होता है। वो डिनर की तैयारी करता है, तभी वो अपने असिस्टेंट वॉल्टर को बताता है कि मेरा हेयर स्टाइल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मैं इस तरह उनसे मिलने नहीं जा सकता है। थॉमस के बार बार कहने पर उसका असिस्टेंट न्यूयॉर्क के अच्छे से अच्छे सैलून देखता है। वो कॉल करता है तो इजी से बात होती है और वो बताता है कि वो हेयर कट के लिए $500 देगा। ये सुनते ही इजी मान जाती है और फौरन होटल चली जाती है। वहाँ वॉल्टर उसे प्रिंस थॉमस के पास ले जाता है। प्रिंस इजी की खूबसूरती देखकर उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है। सब ठीक चल रहा होता है और इजी थॉमस का हेयर कट स्टार्ट कर देती है, तभी वहाँ एक नौकर से कुछ गिर जाता है जिस पर दूसरी असिस्टेंट उसको बहुत बेइज्जत करती है। वो देखकर इजी बहुत गुस्सा हो जाती है। वो प्रिंस को बताती है कि आखिर वो इस बात पर खामोश क्यों था। वो थॉमस का हेयर कट छोड़कर बीच में वापस आ जाती है। इजी जब सैलून पहुंचती है तो वो बहुत थक चुकी होती है, तभी प्रिंस थॉमस वहां आ जाता है और माफ़ी मांगता है और इजी से कहता है कि क्या वो उसका हेयर कट कम्प्लीट करेगी। इजी इस बार मान जाती है और प्रिंस थॉमस का हेयर कट करती है। प्रिंस जब शीशे में अपने बाल देखता है तो काफ़ी खुश हो जाता है। हेयर कट के बाद थॉमस इजी को ऑफर करता है कि क्या वो उसके साथ वॉक पर जा सकती है। वो दोनों वॉक पर निकल जाते हैं और बहुत बातें करते हैं। उस वक्त वो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। कुछ देर बाद प्रिंस थॉमस उसे सैलून ड्रॉप करने का कहता है तो इजी उसे आसमान पर खूबसूरत तारे दिखाती है और फिर थॉमस वहाँ से चला जाता है। अगले दिन प्रिंस अपनी फियांसे लॉरेन से मिलने जाता है। असल में उन दोनों के पेरेंट्स की वजह से शादी कर रहे होते हैं। उस वक्त लॉरेन की मां शादी के लिए मेकअप आर्टिस्ट के बारे में बात कर रही होती है, तभी वॉल्टर उसे बताता है कि वो इजी के सैलून में बुकिंग कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा काम करती है। लॉरेन की मां सजेशन मान लेती है। वॉल्टर एक इनविटेशन के साथ इजी के पास आता है और उसे बताता है कि रॉयल वेडिंग में उनको एज अ हेयर ड्रेसर इनवाइट किया गया है और उनको इसके लिए $50,000 दिए जाएंगे। इजी बगैर सोचे खुशी से हाँ कर देती है। दो दिन के बाद इजी उसकी दो बेस्ट फ्रेंड्स जो कि सैलून की बेस्ट वर्कर्स भी होती है उनके साथ लवेनिया के लिए रवाना हो जाते हैं। रॉयल पैलेस पहुंचने के बाद वॉल्टर उनको रूम्स दिखाता है। इजी के लिए प्रिंस थॉमस की तरफ से एक अलग और अच्छा रूम तैयार होता है क्योंकि वो एक स्पेशल गेस्ट होती है। अगले दिन इजी और उसकी दोस्तों को टेस्ट किया जाता है और उन्हें सर्वेंट्स का मेकओवर करने के लिए बताया जाता है। इस टेस्ट में इजी पास हो जाती है जबकि उसकी दोस्तों को और प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता है। इजी इंतज़ार करते थक जाती है और वो बाहर जाकर लवेनिया की खूबसूरती देखती है और रोड पर घूमती है। वो गलती से एक गली में चली जाती है जहां एक छोटा सा इलाका होता है। वहां के लोग बहुत गरीब दिखते हैं और उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं होती। शाम को प्रिंस थॉमस और लॉरेन पैलेस वापस आते हैं तो गेट पर इजी सब सर्वेंट्स को डोनट्स देते हुए नज़र आती है। वो दोनों ये देखकर बहुत मुतासर हो जाते हैं कि इजी इतना अच्छा काम कर रही है। शाम को वॉल्टर प्रिंस थॉमस के पास आता है और बताता है कि इजी अकेले ही बाहर जा रही है। प्रिंस ये देखकर परेशान हो जाता है और वो कपड़े बदल कर इजी के पीछे जाता है।
थॉमस इजी को बताता है कि वो उसके साथ बाहर जाना चाहता है। इजी भी इस बात पर काफ़ी खुश होती है। वो दोनों उसी गली में जाते हैं जहाँ सुबह इजी गई थी। थॉमस घबराता है और इजी को बताता है कि बचपन से वो इस जगह से दूर रहा है क्योंकि ये जगह ख़तरनाक है। इतनी रात होने के बावजूद जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ की हालत बिल्कुल अलग होती है। थॉमस सब देखकर हैरान हो जाता है। वहाँ सब लोग डांस कर रहे होते हैं और मज़े के खाने खा रहे होते हैं। इजी भी डांस करती है और थॉमस को भी डांस करने के लिए कहती है। डांस करने के बाद एक छोटी बच्ची इजी को अपना स्कूल दिखाने ले जाती है। जब वो वहाँ जाती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ बैठने के लिए ना तो कोई चेयर है और ना ही कोई टेबल। वो सोचती है कि यहाँ की खूबसूरती का क्या फ़ायदा जब यहाँ लोग अब भी बहुत गरीब हैं। थॉमस और इजी तारे देखने जाते हैं जहाँ इजी उसे बताती है कि उसका पहला प्यार उसका बाप था जो कि उसे सफ़ेद घोड़े पे बिठा के पूरा शहर घुमाता था। थॉमस ये सुनकर मुस्कुराता है। ब्रेकफास्ट के वक्त थॉमस अपने बाप से कहता है कि आखिर उसको कभी उस जगह के बारे में क्यों नहीं बताया गया। उसका बाप उसे कहता है कि वो हुकूमत के मामलात से दूर रहें और अपनी शादी पे तवज्जो दें। दूसरी तरफ इजी कुछ फ्लायर्स लिखती है और सबको बताती है कि वो उन इलाके के बच्चों के लिए डोनेशंस करें ताकि वो बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। वो सिक्योरिटी गार्ड को भी सब बताती है और कहती है कि लोग सामान यहाँ जमा कर सकते हैं और फिर फ्लायर्स बांटने के लिए निकल जाती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इजी रॉयल किचन स्टाफ के साथ मिलकर खाना भी तैयार करती है और उन बच्चों के लिए ले जाती है। अगले दिन बहुत सारे डोनेशंस देखकर इजी हैरान हो जाती है। तब थॉमस आ जाता है और इजी उसे भी सारा प्लान बता देती है। थॉमस भी कुछ चीज़ें डोनेट करना चाहता है जो कि पैलेस के वॉर हाउस में पड़ी हुई थी। दूसरी तरफ लॉरेन की माँ प्रिंस थॉमस और इजी को बात करते हुए देख लेती है। उसको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उन दोनों का पीछा करने लगती है। जब वो दोनों सारा सामान गाड़ी में रख लेते हैं तो गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो बहुत सारे बच्चे उनको वेलकम करते हैं और बहुत खुशी से उनका इस्तकबाल करते हैं। इजी बच्चों में गिफ्ट्स बांटना शुरू कर देती है। सब बच्चे बहुत खुश होते हैं और ये देखकर थॉमस भी काफ़ी खुश हो जाता है। वो दोनों बहुत खुशी से ये काम कर रहे होते हैं तभी लॉरेन की माँ जो इनका पीछा कर रही थी उन दोनों की तस्वीर खींच लेती हैं क्योंकि उसको इन दोनों का साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगले दिन सब लोग न्यूज़पेपर देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि हेयर ड्रेसर प्रिंस की शादी के बीच आ रही है और तभी लॉरेन के पेरेंट्स आते हैं और इजी को काम से निकालने की हुक्म देते हैं। जब थॉमस ये खबर देख लेता है तो वो परेशानी में इजी के रूम में जाता है लेकिन इजी वहाँ नहीं होती। थॉमस भागते हुए नीचे जाता है तो इजी अपना सामान गाड़ी में रख रही होती है। थॉमस उसे रोकने की कोशिश करता है मगर इजी ना चाहते हुए भी वहां से चली जाती है। जब इजी चली जाती है तो थॉमस को ये एहसास हो जाता है कि वो इजी से प्यार करने लगा है और बहुत अफसरदा हो जाता है। वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो इस शादी को कैंसिल कर दे लेकिन उसका बाप उसे समझाता है कि लवेनिया बैंकरप्ट हो रही है। अगर वो लॉरेंस से शादी नहीं करेगा तो लवेनिया मुश्किल में आ जाएगा। थॉमस को ज़बरदस्ती इससे शादी करने के लिए मनाया जाता है। अगले दिन थॉमस और लॉरेन की शादी हो रही होती है। तैयारी करते वक्त थॉमस वॉल्टर से पूछता है कि क्या वो ऐसी लड़की से शादी कर सकता है जिससे वो प्यार नहीं करता। हर बार वॉल्टर उसको सच नहीं बताता लेकिन इस बार वो उसको सच बताते हुए कहता है कि वो अपने प्यार को हासिल करना चाहिए वरना वो पूरी ज़िंदगी पछताएगा। ये सुनकर थॉमस बहुत खुश हो जाता है। थॉमस भागते हुए लॉरेन के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है। लॉरेन भी उसको बताती है कि वो भी उससे शादी करने में दिलचस्पी नहीं रखती और वो उसे इजी के पास जाने के लिए कहती है और वो बताती है कि वो अपने पेरेंट्स को समझा देगी। दूसरी तरफ इजी जब लंबे सफ़र के बाद अपने सैलून में पहुंच जाती है तो देखती है कि सैलून में फिर से आग लग गई थी। अचानक डग फिर से वहां आ जाता है और नुकसान के पैसे मांगता है लेकिन इस बार इजी उसे जवाब देते हुए कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं और सैलून के मालिक से उसकी बात हो चुकी है और वो इस बात पे बहुत शर्मिंदा है कि बार बार उनके सैलून में शॉर्ट सर्किट्स होते हैं।
वो अब डग को धमकाती है कि अगर वो दोबारा उससे पैसे मांगने आया तो वो लैंडलॉर्ड को शिकायत कर देगी। रात को सब लोग इजी को खुश करने के लिए एक छोटी सी पार्टी रखते हैं। इजी कुछ देर के लिए ताजी हवा खाने के लिए बाहर चली जाती है। अचानक वो घोड़े के पैरों की आवाज सुनती है और देखती है कि प्रिंस थॉमस एक सफेद घोड़े पे सवार उसकी तरफ आते हैं। प्रिंस उसे सारी बात बताता है और वो फिर से इजी से प्यार का इजहार कर देता है। वो दोनों गले लगते हैं और इतने में इजी के दोस्त और वॉल्टर वहां आ जाते हैं। फिर थॉमस इजी से पूछता है कि क्या वो उसके साथ घोड़े पे शहर घूमने चलेगी। वो दोनों खुशी से घोड़े पे सवार हो जाते हैं। इस तरह इजी को उसका प्यार मिल जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें।